शैलेंद्र भोयर, रईस काजी, शैलेश कार्लेकर, विनोद धनंजय, डॉक्टर अभय राठौड़, भरत भारद्वाज, शंकर तिलुकानी, राजगोपाल बंग, सुनील आवारी, महमूद खान, मनीष तामगड़े, जुल्फिकार समनानी, बब्बू त्रिकोटी एंड राजेश नायडू. Only one word can describe them. Joshile, Joshile, Joshile. With one aim only, Senior Cricket Championship Trophy. Watch them live 3rd November to 13th November at St. Michael's School, Chandrapur. And on Parthashar Samachar Facebook page. देववाणी दिव्यांग बहुउद्देशीय संगठन द्वारा चंद्रपुर के विकलांग बच्चों के लिए एक संगीत कला का कार्यक्रम 5 नवंबर 2022 शाम 6 बजे प्रियदर्शनी हॉल में आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में बाल कल्याण संस्था पुणे के दिव्यांग कलावंत अपनी गायन और वादन कौशल पेश करेंगे। चंद्रपुर निवासी तबला वादक देवांशु राकेश शिंगरू अपने गुरु दत्तात्रेय भावे पुणे के साथ इस आयोजन के विशेष आकर्षण हैं। चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगीवार, कांग्रेस चंद्रपुर नगर जिलाध्यक्ष रामू तिवारी, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर विकास आमटे और कौस्तुभ आमटे की इसमें मुख्य उपस्थिति रहेगी। हाँ, नमस्कार। देववाणी दिव्यांग बहुउद्देशीय संस्था चंद्रपुर यांच्या वतीने गंधफुलांचा हा संगीतमय कलाविष्कार आपण उद्या 5 तारखेला अनुभवणार आहोत। याच्यामध्ये माझा विद्यार्थी देवांशु शिंगरू हा त्याच्यामध्ये मुख्य त्या कार्यक्रमाचं आकर्षण आहे। गेली 4 वर्ष देवांशु माझ्याकडे तबला शिकतो आणि आजपर्यंत त्याच्या तबल्याच्या 4 परीक्षा त्यांनी पास केलेल्या आहेत। तो स्वतः मतिमंद आहे, तरीसुद्धा त्यांनी या कलेमध्ये जी उत्तुंग भरारी घेतलेली आहे ते उल्लेखनीय आहे। अशी त्याच्याबरोबरीनं पुण्यामधून माझे असेच काही विद्यार्थी जे मतिमंद आहेत, जे अंध आहेत, जे ऑटिस्टिक आहेत म्हणजे स्वमग्न आहेत, हे सगळे मिळून एकत्रितरित्या हा गंधफुलांचा कार्यक्रम चंद्रपूरमध्ये करणार आहे। आणि हा कार्यक्रम पूर्णपणे निशुल्क असणार आहे। बालकल्याण संस्था पुणे या संस्थेमध्ये ही मुलं शिकतात आणि त्यांच्या वतीनं ही सगळी मुलं या ठिकाणी कार्यक्रम करणार आहेत। त्याचं नियोजन अर्थातच त्याची आई मेघना शिंगरू, त्याचप्रमाणे इथले देववाणीचे सर्व पदाधिकारी हे करणार आहेत आणि असा तो कार्यक्रम या ठिकाणी होईल। धन्यवाद। सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी, श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राज गुरु सेवन 18 अक्टूबर रोजी शुभारंभ, श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल अपल्या चंद्रपूर मध्ये, श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल वेडिंग कलेक्शंस, ब्राइडल लहंगास, सारीज, चुड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर, 18 अक्टूबर रोजी महा शुभारंभ, श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। चंद्रपुर शहर में अक्सर दुकानों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। 3 नवंबर 2022 को जटपुरा गेट क्षेत्र के वसंत भवन के पास एक कपड़ा दुकान M4U में भीषण आग लग गई। क्या चंद्रपुर नगर निगम फायर ऑडिट करा रहा है? क्या उसकी सीमा के भीतर दुकानों में आग रोकथाम प्रणाली स्थापित है? ऐसी संभावना है कि नगर पालिका इस तरह के प्रश्न की अनुमति देने से पहले क्या उसकी सीमा के भीतर दुकानों में आग रोकथाम प्रणाली स्थापित है?
ऐसी संभावना है कि नगर पालिका इस तरह के प्रश्न की अनुमति देने से पहले ये सत्यापित किए बिना कि सुरक्षा नियमों को लागू किया जा रहा है या नहीं प्रमाण पत्र दे रही है। विस्तृत रिपोर्ट ये है कि जटपुरा गेट से सटे जिला परिषद के वसंत भवन स्थित कपड़ा दुकान हैम फॉर यू में रात 10:30 बजे के बीच आग लग गई। इस आग में कपड़ा दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई और दिवाली के मौके पर बिकने वाले कपड़े भी आग में जल गए। दीपावली की पूर्व संध्या पर चंद्रपुर शहर में एक कपड़ा मॉल बड़ी धूमधाम से खोला गया था और उस मॉल में भारी भीड़ थी, लेकिन इससे शहर के कई कपड़ा दुकानदारों के व्यवसाय पर ग्रहण लग गया और उन्होंने कई सामानों का ऑर्डर दिया। आग की चपेट में आई M4U दुकान चंद्रपुर शहर की मुख्य सड़क पर स्थित है और मिली जानकारी के अनुसार दुकान मालिक 10 बजे दुकान बंद कर घर चले गए। रात करीब 11 बजे दुकान से धुआं निकलते देखा गया। दुकान के शटर बंद होने के कारण काफी देर तक लोगों को पता नहीं चला कि अंदर आग लगी हुई है। आग लगने के कुछ देर बाद दुकान का शीशा टूट गया और धुआं निकलने लगा, तभी लोगों को लगा कि आग लगी है। आग लगने के बाद पप्पू खान ने दमकल और दुकान मालिकों को घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही नगर निगम की दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल और दंगा नियंत्रण दल भी मौके पर पहुंच गया। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 3 गाड़ियों की मौजूदगी में भी आग पर काबू पाना मुश्किल था। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी और आग दुकान के ऊपरी मंजिल पर लगी और फिर निचली मंजिल तक फैल गई। स्थिति पर काबू पाने के लिए दमकल की कोशिशों से बड़ा हादसा होते होते टल गया और अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो संदेशा था कि इलाके की अन्य दुकानें भी आग की चपेट में आ जाती। उक्त दुकान का मालिक आकाश दोडानी है और प्रारंभिक अनुमान है कि आग में दुकान के मालिक को लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। After the grand success of Chandrapur Premier League, Life Foundation presents Leather Ball T20 Senior Cricket Championship for 40+. Date 3rd November to 13th November 2022. Venue St. Michael School Cricket Academy. Don't miss the action of Masters and Legend of Chandrapur District. Sandeep Shinde leading team Shaukeen. Rajesh Naidu leading team Joshile. Kamal Zora leading team Dhurandhar. Daud Siddiqui leading team Manchale. Dr. Chetan Khutemate leading team Rangile. And Sanjay Tumram leading team Shandar. Live telecast on Partha Samachar Facebook page.